थोड़ा सा। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, शायद आते हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको, मतलब वहां अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और एक्टिव हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, वो अपनाना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा है, देखिए यूपीएससी थोड़ा सा अब डायनेमिक हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड करके पूछता है, जैसे करंट में अगर कोई न्यूज चल रही है तो उसका वो बेसिक पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उठा के पूछेगा, तो ऐसे हमें डायनेमिक अप्रोच लेके पढ़ना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 तो हो जाएंगे हमारे वैसे ही जो आते हैं, बच गए 60। तो आप कोशिश करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम, ये बिल्कुल मत करना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और आप सोचे 50 सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। लास्ट टाइम शायद मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे और इस बार 92, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके, मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एकदम ब्लैंक है, मतलब लग रहा है कि देखा ही पहली बार है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आप उसको छोड़िए। अगर कहीं आपका 50-50 हो रहा है एलिमिनेशन से, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आता है, तो रिस्क ले लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 92 भी आप क्वेश्चन सही करेंगे तो मुझे लगता है कट ऑफ मैक्सिमम 50 तक जाती है, क्वेश्चंस की बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम 50 तक जाती है। तो हमारे पास 42 क्वेश्चन है ऐसे जो हम रिस्क लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 90 से ऊपर ही, 92 तक, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए यही, और प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स जब आपका प्रीलिम्स है उससे कम मुझे लगता है 3-4 महीने पहले आप एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई थिंक अगस्त 2020 मतलब कुछ ऐसा था, और प्रीलिम्स था उस टाइम जून में, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, शायद अच्छा था लग इसलिए। तो मतलब अगर आपका इस बार मई में है तो आप उस हिसाब से, मतलब कैलकुलेट करके 3-4 महीने पहले से एकदम प्रीलिम्स पे फोकस, एकदम प्रीलिम्स पे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के बाद भी हमें 3 महीने मिलते हैं, मतलब इतना अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उस 3 महीने में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स को एकदम हल्के में ना लें। मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे ये लगता था कि इस बार मेंस ना दूं, क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, मुझे लगा कि नहीं होएगा मेंस तो। लेकिन जब मतलब वो 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की और पूरी मेहनत की तो हो गया, है ना। तो इसलिए प्रीलिम्स अच्छे से करना है 3-4 महीने पहले। अभी इस बार शायद आपका मई में है ना, 28 को कुछ है, हाँ, तो मतलब 3-4 महीने आप कैलकुलेट कर लीजिए, फरवरी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई, मतलब एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना। देखो सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सोर्सेज भी हमारे सेम ही है, वही न्यूज़पेपर, वही बेसिक, लेकिन थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज हो जाती है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं। वैसे अब तो थोड़ा सा वो और भी डायनेमिक पूछने लगे कॉन्सेप्ट को घुसा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज होएगा, पढ़ाई आपकी वही रहेगी, है ना। तो प्रीलिम्स आप 3-4 महीने पहले से शुरू कर दीजिएगा। और प्रीलिम्स के लिए जो मतलब स्पेसिफिक मैंने किया, देखिए ज्यादा नोट्स मत बनाइएगा, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, कौन सा पढ़ते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इंग्लिश का पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते, मतलब देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब मैंने हिंदू शुरू किया था एकदम शुरू में, जब मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई तो मेरे को शायद 3 घंटे लगते थे और मैं हिंदू में लगाती थी 3 घंटे, क्योंकि मुझे ये जो फोबिया होता है कि हाँ इंग्लिश वाले हिंदू पढ़ रहे हैं हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदू पढ़ लेना चाहिए, मतलब वेदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन एक बार इंग्लिश का देख लेना चाहिए। मैंने क्या किया था, जैसे शुरुआत में मैंने 3-4 महीने पढ़ा था हिंदू, मतलब मैं मंगवाती थी गाँव में और पढ़ती थी उसको, लेकिन उसके बाद मुझे ये हो गया था कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल गया था जब मैंने इतना टाइम दिया, तो फिर मैं उसका बस एनालिसिस देख लेती थी यूट्यूब पे, मतलब आप किसी का भी देख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, मैं कोई प्रीफर नहीं करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप 1-2 दिन देख लीजिएगा। एनालाइज आप जब देखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा जब हम सुनते हैं कोई चीज और सामने वाला समझाता है तो ज्यादा याद रहती है, तो इसलिए एनालाइज जरूर देख लीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होता है, तो ये जरूर, मतलब मैंने तो मतलब नोट्स भी बनाए थे हिंदू के, लेकिन वो रिविजन नहीं हो पाया उनका, लेकिन मुझे लगता है कुछ फायदा हुआ था, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ, मतलब आप भी जब लिखते होंगे तो याद तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो मैंने तो नोट्स भी बनाए थे,
और आप भी बना लेना, आप मतलब ज्यादा बड़े मत बनाना कि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन ना कर पाए। मतलब क्या कर लेना कि प्रीलिम्स के लिए एक अलग से नोटबुक बनाना, और द इंदु में कोई भी फैक्ट आता है, जैसे कोई रिपोर्ट आती है, कोई फैक्ट आता है, ये शायद प्रीलिम्स में कम काम आए लेकिन मेंस में बहुत काम आता है। मेंस में दिक्कत यही हो जाती है कि पता तो होता है हमें क्वेश्चन, लेकिन दूसरों से अलग बनाना है। अब अलग बनाने के लिए कुछ फैक्ट चाहिए, डाटा चाहिए, तो जो आप हिंदू पढ़ेंगे उस टाइम आप मतलब राइट डाउन करेंगे वो आप मेंस में यूज करेंगे। तो इसलिए हिंदू में से फैक्ट और डाटा आपको नोट डाउन करने हैं, अलग से एक कॉपी बना लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। और एक प्रीलिम्स के लिए क्विज मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है, मतलब मैंने बहुत की थी ऑनलाइन भी, टेस्ट सीरीज भी तो मैं बताऊंगी बाद में, क्विज भी मैंने की थी ऑनलाइन, दृष्टि की वेबसाइट पे भी आती है, आप वहां देख लीजिए या कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे। अगर मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से कोई क्विज हो रही है तो क्विज कर लीजिएगा, उससे मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये बातें थी तीन चार, लेकिन जब क्विज होती है तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उस टाइम हमें ये पता चलता है कि हाँ ये वाला पॉइंट हमसे छूट गया था, ये रक्षा की जगह वो विदेश लिख देते हैं, और मतलब संविधान सभा में किस किस को शामिल करेंगे तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, तो जब हम क्विज करेंगे तो पता चल जाएगा कि शायद ये पॉइंट हमसे छूट गया था, तो इसलिए क्विज जरूरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से मतलब मैंने शायद 60 लगाए होंगे, 60 मतलब टेस्ट किए थे मैंने, ऐसे तो नहीं दिए कहीं टेस्ट, मैंने मतलब ले लिए थे वहीं से, और मतलब प्रिंटेड, और मैं बस कर लेती थी और फिर मैच कर लेती थी, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन था, जो मुझे नोट डाउन करना होता था वो नोट डाउन। तो मतलब कम से कम 60 तो आपको करने ही हैं, हर हाल में करने हैं, और ऐसे नहीं कि कर लेने हैं और फिर बस छोड़ देने हैं कि ठीक है इतना सही हो गया, मतलब करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन भी देखना है, ये भी देखना है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा हमें नहीं आया, कौन सा आया। तो मतलब 2 महीने पहले अगर आप डेली भी एक टेस्ट करेंगे तो 60 मतलब मोर देन इनफ है, इतना ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही।